नमस्कार दोस्तों, मैं उसम्भू और आप सभी का स्वागत है एसेट कंपोनेंट एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे सेबी के बारे में, राइट। सेबी क्या होता है, ओके, क्यों एस्टेब्लिश्ड हुआ और इसका पर्पस क्या है। तो सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सेबी को हम लोग फॉर्म में बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कंट्रोल करता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्सचेंज है हमारे पास इंडिया में, BSE और NSE। सबसे पहले BSE आया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आया था NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेट करता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है सेबी जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था। हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेबी क्या होता है। देखिए, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, सेबी जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1988 में अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है, उसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1988 में, ठीक है, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। इट बिकेम ए सैचुरेटेड बॉडी एंड कॉमन स्टील अंडर द सेबी एक्ट 1992। ये जो पूरी तरह से लागू हुआ, जो सेबी एक्ट 1992 बोला जाता है, 92 में ये लागू हुआ, इसीलिए इसे सेबी एक्ट 1992 बोला जाता है, सैचुरेटेड बॉडी जो मिला था, ठीक है। देखिए, सेबी जो है एस्टेब्लिश हुआ था प्रमोट करने के लिए, प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर। देखिए, ये जो एस्टेब्लिश हुआ था, जो प्रमोट किया था ऑर्डरली, ठीक है, प्रमोट फाइनेंस को भी प्रमोट किया जाता था, ठीक है, हेल्दी ग्रोथ, जो हेल्दी ग्रोथ होगा, ठीक है, जो मार्केट का हेल्दी ग्रोथ हो उसके लिए किया गया था, सिक्योरिटी मार्केट के लिए, ठीक है, और जो मार्केट का जो सिक्योरिटी है, पॉलिसी है, उसे सही करने के लिए, एंड फॉर द इन्वेस्टर। मान लीजिए कि कोई इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम और आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है कि अगर कोई इन्वेस्ट करता है उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमने इन्वेस्ट किया, अगर इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे, ओके, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, कंपनी का अगर फ्रॉड करके चली जाएगी, तो इसीलिए सब कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह जो है सेबी सेट करता है। रीज़न क्या है सेबी एस्टेब्लिश करने का, ओके, 1980 में क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट में ग्रोथ आने लगा, ठीक है, ग्रोथ आने लगा, क्यों आया, ड्यू टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। तो जो पार्टिसिपेट करने लगा पब्लिक सब, ठीक है, तो क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट में ग्रोथ आने लगा। इससे क्या हो गया, जैसे ही ग्रोथ आने लगा कैपिटल मार्केट में, उसमें धोखाधड़ी बढ़ने लगा, धोखाधड़ी किसके द्वारा हो रहा था, कंपनीज के द्वारा, ब्रोकर के द्वारा, मर्चेंट बैंकर्स के द्वारा। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए सेबी एस्टेब्लिश किया गया था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्स अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, कंपनी सब क्या करता था, राइट, या जो भी स्टॉक मार्केट में क्या होता कि एक्स अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट होता था, प्राइस रैगिंग होता था, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग होता था, ठीक है, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता था स्टॉक एक्सचेंज का। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स एंड रेगुलेशन होता था, ठीक है, लोग उसे क्या करते थे, फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। और प्राइस रैगिंग का मतलब हो गया कि इल्लीगल तरीका से किसी कंपनी के किसी स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा देना। क्या करता है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं किसी स्टॉक्स का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ठीक है, तो उसी इलीगल तरीका से क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या कोई स्टॉक्स वाला सामने इन्वेस्टर्स को बोल देते हैं कि आप प्राइस रैगिंग कीजिए, तो क्या करता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं एकदम से सारा स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस कंपनी का शेयर जैसे ही बिकने लगता है, ठीक है, मार्केट में लॉन्च हो जाता है, तो उसके बाद जो बिकने लगता है, तो जो लोग देखते हैं, जो आम इन्वेस्टर होता है, देखता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, तो वो भी क्या करता है, इन्वेस्ट करने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो प्राइस रैगिंग करता है, ठीक है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर प्राइस रैगिंग करता है, तो क्या करता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद क्या होता है कि उस कंपनी का शेयर का जो प्राइस है ऊपर बढ़ने लगता है, तो उसे प्राइस रैगिंग बोला जाता है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्रमोटर्स हो गया या उच्च स्तर के लोग हो गए, ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कि जो कंपनी का प्रोजेक्ट हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है कि उस कंपनी में अपना भी इन्वेस्ट करने लगता है, ठीक है, साइड से अपना भी इन्वेस्ट करने लगता है, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसे भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया था कि सेबी एस्टेब्लिश किया गया था, क्या करना था, जो कैपिटल मार्केट में क्या होता अचानक ग्रोथ बढ़ने लगा, इसे क्यों बढ़ा, जो पब्लिक था पार्टिसिपेंट जो है वो इंक्रीज करने लगा, इससे क्या हो गया कि माल प्रैक्टिसेस वगैरह का चांसेस बढ़ गया कंपनीज, ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर के द्वारा, ठीक है। और एक्स अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट भी होने लगा, प्राइस रैगिंग होने लगा, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया,
ठीक है, और कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता था, तो ये रीजन था एस्टेब्लिश होने का। पर्पस क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लाने का, टू मीट द नीड ऑफ थ्री ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो तीन ग्रुप है ना सिक्योरिटी मार्केट को, ठीक है, उसे मिलाने के लिए। अब देखिए ईसो क्या करता है, जिसे हम लोग इशू करने वाला बोल सकते हैं, जो कंपनी वगैरह होता है वो अपना शेयर क्या करता है, मार्केट में लॉन्च करता है, क्या करता है, अपना जो शेयर्स है वो मार्केट में लॉन्च करता है। इन्वेस्टर क्या होता है, जो हम और आप लोग होते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो इन्वेस्ट करता है, राइट, इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जो अपना अमाउंट उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, तो इंटरमीडिएट कौन होता है, जैसे कि ब्रोकर वगैरह हो गया, मान लीजिए कि अगर हम किसी ऐप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी जीरोधा से कर रहे हैं, तो जीरोधा क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। एंजल वन क्या हुआ, इंटरमीडिएट। अप स्टॉक क्या हुआ, इंटरमीडिएट हो गया। फाइव पैसा क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, एटीसी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्पस है ना सेवी लाने का, ठीक है, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, जो इन्वेस्टर है उसे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और सारा कुछ, सारा डिटेल्स पता होना चाहिए किसी कंपनी का। कंपनी का भी क्या करता है कि हर क्वार्टरली सारा डिटेल्स देना पड़ता है, ठीक है, एक्सचेंज को, राइट। जैसे सेबी ही अप्रूवल देता है सबसे पहले, जब कंपनी स्टार्टअप होती है, मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट कीजिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको एक मर्चेंट बैंक सबसे पहले ढूंढना पड़ता है। अब मर्चेंट बैंक आपको वो हेल्प करता है कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है, आपको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या कीजिए, आप सेबी में रिक्वेस्ट डालते हैं या अप्रूवल के लिए डालते हैं अपना कंपनी का फाइल। तो जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है सेबी से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, ठीक है, उसके बाद आप रजिस्टर करते हैं एक्सचेंज पे, ठीक है, एनएससी और बीएससी पे, किसी पे भी कर सकते हैं। तो जब एनएससी और बीएससी पे एक्सचेंज पे रजिस्टर करते हैं, उसके बाद जो आपका कंपनी का जो शेयर है, ठीक है, वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है। लॉन्च होने के बाद आम इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इंटरमीडिएट क्या करता है कि वो जो बायर और सेलर होता है ना, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। इंटरमीडिएट क्या करता है कि वो बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पे बायर और सेलर मिले, बेचे और खरीदे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज आप बोल सकते हैं, एन एक्सचेंज मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटी कमोडिटी डेरिवेटिव एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेड, जो भी है, जिसे सिक्योरिटी हो गया, कमोडिटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, ये सारे चीज़ क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रेड करता है। द कोर फंक्शन ऑफ एन एक्सचेंज इज टू इंश्योर फेयर एंड ऑर्डरली ट्रेडिंग। देखिए ये आपको प्रोवाइड करता है कि एकदम सही हो, ठीक है, ऑर्डरली ट्रेडिंग हो एंड इंफ्लुमेशन डिस्कशन, ठीक है, प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर एनी सिक्योरिटीज ट्रेडिंग ऑन दैट एक्सचेंज। जो भी जिस भी स्टॉक्स का हम लोग शेयर्स लेते हैं, उसका जो प्राइस है, इंफॉर्मेशन है, सारा डिटेल्स आपको करेक्ट दे, ठीक है। मेनली वी हैव टू एक्सचेंज इन इंडिया, बीएससी और एनएससी। बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएससी जो है डील करता है फॉर्म ऑफ सेंसेक्स, इसका जो इंडेक्स है, सेंसेक्स जो है क्या है, इंडेक्स है, ठीक है। बीएससी डील करता है सेंसेक्स में और एनएससी डील करता है निफ्टी में, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या निफ्टी 50 बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था सेबी का। अब फिर से मैं बता दूं तो एक बार कि सेबी होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन पास करता है किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, राइट, किसके लिए पास करता है, एक्सचेंज के लिए। एक्सचेंज में कौन सा, बीएससी और एनएससी को, ठीक है। तो जो बीएससी और एनएससी है वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है जो सेबी पास करता है। अगर अब वो फॉलो नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।